हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। जैसे कि आपको पता है, हम पार्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट्स लेकर आ रहे हैं। तो कल हमने फतेह शाह से पहले जो है पृथ्वीपति शाह तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम फतेह शाह से लेकर के गढ़वाल में परमार वंश से जो 1804 तक चला था, तो वहाँ तक हम पूरा कम्प्लीट आज करने वाले हैं प्रद्युमन शाह तक का। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना और कमेंट और लाइक वीडियो को जरूर करना दोस्तों। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों, हम फतेह शाह आज शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था, तो फतेह शाह का उपनाम जो है गढ़वाल के शिवाजी के उपनाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। फतेह शाह जो फतेहपति शाह थे, इनका जो है शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की ही तरह का एक घोड़े पर बैठा हुआ चित्र मिलता है, जिसमें चित्र के नीचे इनकी उम्र लिखी गई है 33 साल। 33 साल चित्र के नीचे लिखी हुई बताई गई है। उसमें आगे थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करूँगा, क्योंकि उम्र पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि ये जिस समय इनका राज जब ये सिंहासनारूढ़ हुए थे तब ये मतलब नाबालिग थे, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी और डबराल ऐसा मानते हैं कि जिस समय ये सिंहासनारूढ़ हुए थे दोस्तों, इनकी उम्र केवल उस समय 7 वर्ष थी और इनकी माता कटौची जो थी वो इनकी संरक्षिका थी, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है। अब देखिए, इस बात का उल्लेख यहाँ पर इस बात की पुष्टि होती है कि चित्र में इनकी उम्र लिखी गई है 33 साल। नंबर एक तो ये इस बात से खंडन हो जाता है, ठीक है, और दूसरा, पृथ्वीपति शाह ने इन्हें शासन सौंप दिया था तो फिर ये अवयस्क बालक कैसे हुए? अगर ये अवयस्क होते तो पृथ्वीपति शाह अपनी मर्जी से इनको अपना शासन क्यों सौंपते? ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। इनके ताम्रपत्र मिले हैं दोस्तों कुछ। 1667 तक निर्मित ताम्रपत्रों में पृथ्वीपति शाह के हस्ताक्षर युक्त मोहर मिलती है। अब देखिए, 1666 तक के अगर ताम्रपत्र में पृथ्वीपति शाह की ही मोहर मिल रही है, जबकि शासन उस समय किसका था? फतेह शाह का था। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनकी जो है अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, ये इसका प्रतीक माना जा सकता है। सन 1700 का भी एक ताम्रपत्र मिला है जो ठाकुर सूरवीर सिंह के संग्रह में आज भी उपलब्ध आपको मिल जाता है दोस्तों। इसके शासनकाल का एक सिक्का भी मिलता है, जिसमें जो है जो सिक्के में जो लेख लिखा गया है वो अपनी भाषा में इसने लिखा है, ठीक है। तो इससे इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है गढ़वाल जो थी एक स्वतंत्र सत्ता थी। और राहुल सांकृतिन ऐसा मानते हैं कि फतेह शाह की विजय वाहिनी ने तिब्बत को आक्रांत किया था और वीरत्व को सम्मान देने के लिए फतेह शाह की तलवार और हथियार कई वर्षों तक दाबा के बिहार में रखे गए थे। तो कहां पर रखे गए थे? दाबा के बिहार में फतेह शाह की तलवार और उसके हथियारों को रखा गया था, ठीक है, सम्मान के लिए। ठाकुर देशराज कृत सिख इतिहास है, तो सिख इतिहास में सिरमौर के शासक गणरेश से इतना भयभीत हो गया था कि उसने अपनी रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह का आह्वान किया। तो इस बात का उल्लेख मिलता है सिख इतिहास में। जो सिरमौर का शासक था वो गढ़नरेश यानी कि फतेह शाह से इतना भयभीत हो गया था कि उसने अपनी रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह से आह्वान किया था, रक्षा करने के लिए कहा था, क्योंकि फतेह शाह और गुरुजी जो थे गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों की मित्रता मतलब बहुत अच्छी मित्रता इन दोनों में थी। तो इसलिए इसने सोचा कि फतेह मैं गुरुजी से बोलता हूँ तो वह फतेह शाह को बोलेगा, मतलब मेरे लिए थोड़ा मतलब अच्छा व्यवहार करे और मेरी रक्षा करे, इसलिए कुछ ऐसी सोच उसने रखी होगी। तो फतेह को सिरमौर की मित्रता स्वीकार करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने मना लिया था और साथ ही साथ जो उन्होंने जिन प्रदेशों को जीत लिया था उन प्रदेशों को लौटाने का आश्वासन भी उन्होंने दे दिया था। लेकिन क्या होता, कुछ समय बीतने के बाद इनकी मित्रता आपस में टूट जाती है। किस किस की? फतेह शाह और गुरुजी की मित्रता टूट जाती है। अब मित्रता टूटने के कई कारण बताए जाते हैं दोस्तों, जिसमें से एक कारण ये है कि फतेह शाह ने बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह करवाया। जब कन्या का विवाह कराया तो भीमचंद जो था इसकी दुश्मनी थी गुरुजी के साथ, ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा चाहता था कि भीमचंद फतेह शाह भी जो है गुरुजी से दोस्ती तोड़ दे और उनसे मतलब इसकी कुछ मतलब गड़बड़ी हो जाए। तो भीमचंद का गुरुजी से शत्रुता का भाव था, इसीलिए गुरुजी को इसने कहा कि जो शादी में है मतलब इसने फतेह शाह से कहा कि जो गुरुजी ने शादी में उपहार दिए हैं उनको लौटा दे।
तो 1689 में भेंगड़े का युद्ध हो जाता है गड़नरेश और गुरुजी के बीच। इस तरह से जब उपहार लौटा देते हैं तब ये युद्ध होता है, ऐसा माना जाता है, एक मान्यता है। इसके अन्य पक्ष भी हैं। फतेह शाह को फिर यहाँ पर झुकना पड़ता है, लेकिन किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं उल्लेख मिलता है कि किसी भी स्थान को अधिकार में ले लिया था गुरुजी ने। अर्थात ये कह सकते हैं आप कि ये एक निर्णायक युद्ध नहीं था। अब यहाँ पर जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस युद्ध के अन्य पक्ष भी हैं। जिस पक्ष के बारे में ज़्यादातर बातें होती हैं वो पक्ष मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। दोस्तों जीआरसी विलियम्स ने अपनी पुस्तक में मेमोयर्स ऑफ देहरादून, इनकी एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और इन्होंने दरौरा परगना में जो है फतेहपुर नामक एक नगर को बसाया। दोस्तों फतेह शाह जो था कला का पारखी था, साहित्य का मर्मज्ञ था और वीरता और कलात्मक प्रकृति का एक अनोखा सम्मिश्रण या अनोखा सामंजस्य आप इसको कह सकते हैं। अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तरह का ही इसका दरबार था। इसके दरबार में भी 9 रत्न थे दोस्तों, इन्हीं की तरह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर की तरह। उन 9 रत्नों में सुरज्ञानंद बर्थवाल थे, श्री खेतराम धस्माना, रुद्रीदत्त कमोठी, हरिदत्त नोटियाल और बासवानंद बहुगुणा। और छठे थे शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कंठोला और हरिदत्त थपलियाल। तो ये इनके दरबार में 9 रत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर के ही तरह थे। दोस्तों प्रमुख ग्रंथ भी इनके जो शासनकाल के थे वो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ एक है जिसकी रचना की थी जटाधर ने। इनका नाम कहीं पर आपको जटाशंकर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आज भी ये देवप्रिया के चक्रधर शास्त्री की वेधशाला पुस्तकालय में ये बुक आपको मिल जाएगा, ये ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद एक है कहीं पर आपको फतेह शाह नाम से मिलेगा, कहीं पर आपको फतेह प्रकाश नाम से मिलेगा दोस्तों। तो एक ग्रंथ फतेह प्रकाश नाम से है जिसके रचनाकार हैं श्री रतन कवि या फिर इसको श्री क्षेमराम भी कहीं पर बोला जाता है। ये एक हस्तलिखित ग्रंथ है दोस्तों, ठाकुर सूरवीर सिंह के संग्रहालय में ये भी उपलब्ध है अभी भी। एक वृत्त विचार ग्रंथ है जिसके रचनाकार हैं सुखदेव मिश्रा, ठीक है। तो वृत्त विचार के रचनाकार कौन है? सुखदेव मिश्रा हैं। फतेहपति शाह के वीरत्व का यशोगान और इनकी वीरता का वर्णन जो है वृत्त विचार में किया गया है। छंद सागर पिंगल एक ग्रंथ है जिसमें जो है फतेह शाह की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है, इनकी तुलना उसमें जो है शिवाजी से की गई है। इसकी मृत्यु के बारे में, फतेह शाह की मृत्यु के बारे में मतभेद हैं दोस्तों। बैकेट मानते हैं कि फतेह शाह की मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर पाथीराम डबरार और वॉल्टन मानते हैं कि इनकी मृत्यु 1717 में हुई थी। रतुड़ी मानते हैं कि इनकी मृत्यु 1749 में हुई थी। भक्त दर्शन मानते हैं कि इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ से कुछ अन्य फैक्ट भी हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आपको आपके सामने दिखाई देते हैं। जैसे मतीराम ने इनके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है, तो गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है फतेह शाह के शासनकाल को, वो किसने कहा है? मतीराम ने कहा है दोस्तों। भेंगड़ी युद्ध का वर्णन गुरुजी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में की है, तो विचित्र नाटक जो है किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है गुरुजी की। फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की तरह ही मुद्रालेख लिखवाया था, ठीक है। तो फतेह शाह ने भी समुद्रगुप्त की तरह मुद्रालेख लिखवाया था। नाथपंथी संत बालकनाथ से अधिक प्रभावित थे ये, यानी कि आप कह सकते हैं तो नाथपंथी संत बालकनाथ की क्या थे? ये अनुयायी थे, ठीक है। उसके बाद गुरु राम राय को अपने दरबार में इन्होंने बुलाया था और इन्होंने जो गुरुद्वारा बनाया देहरादून में, उस गुरुद्वारा को बनाने में इन्होंने उनकी मदद की थी। दोस्तों फतेह शाह के समय कोई दरवाजों में ताले नहीं लगाते थे, ऐसा माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसके समय में जो है दरवाजों में लोग ताले नहीं लगाते थे? तो फतेह शाह ने गुरुद्वारा की आय के लिए 3 ग्राम दान में दिए थे, नंबर 1 खुड़बुड़ा, दूसरा राजपुर और तीसरा चामासारी, ठीक है। ये 3 ग्राम जो है इन्होंने गुरुद्वारे की आय के लिए दान में दिए थे। आगे बढ़ेंगे, मौलाराम के अनुसार फतेह शाह का उत्तराधिकारी उपेंद्र शाह था, ठीक है। उपेंद्र शाह मौलाराम के अनुसार था। लगभग उपेंद्र शाह ने लगभग 1 वर्ष तक शासन किया, तो इसका जो शासन था वो परमार वंश का सबसे कम कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। इसकी मृत्यु जो है दीपावली के दिन हो जाती है। किसकी? उपेंद्र शाह की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं यहाँ पर। भक्त दर्शन और वॉल्टन के अनुसार उत्तराधिकारी दलीप शाह था, ठीक है। तो क्योंकि जो इतिहासकार हैं हर किसी का देखने का नज़रिया और जो स्टडी उन्होंने किया उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है। उपेंद्र शाह को नहीं मानते हैं
मतलब भक्त दर्शन और वाल्टन, क्योंकि उसका एक साल का ही कार्यकाल रहा, उस बीच उनको ऐसा लगता है कि जो एक खाली समय था इसमें छोटा छुटपुट ऐसे ही राजकाज रहा होगा, लेकिन दिलीप शाह इसका वास्तविक उत्तराधिकारी था, ठीक है। लेकिन दिलीप शाह के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है, हर किसी का अपना जो साक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग लिखा होगा। रत्नकवि ने फतेह शाह को फतेह प्रकाश में हिंदू का रक्षक बताया है, सील का सागर बताया और उद्दंड को दंड देने वाला बताया है, ठीक है। तो किस में बताया? फतेह प्रकाश में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फतेह प्रकाश किसकी रचना है? रत्नकवि की रचना है। दोस्तों फतेह शाह यशोवर्णनम पुस्तक की रचयिता रामचंद्र हैं और फतेह शाह की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण, नीलकंठ या जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी। तो इन्होंने किसकी कीर्ति सुनकर के जो है श्रीनगर की यात्रा की थी? फतेह शाह की कीर्ति सुनकर के की थी। उसके बाद आते हैं प्रतीप शाह दोस्तों, जिसका शासनकाल 1717 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का माना जाता है। इस वीडियो में थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा कोर्स कवर करना है, तो ज़्यादा डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 से लेकर के 1757 तक माना जाता है। तो ये किस आधार पर कहा जा रहा है? क्योंकि लखनऊ संग्रहालय में एक सिक्का है जिसके आधार पर जो है एक शासनकाल इसका माना जाता है। लेकिन इनके शासनकाल के बारे में रतुड़ी का मत है कि इनका शासन लगभग 30 वर्ष रहा, जो कि उपरोक्त तिथि इससे भी पता चलता है कि 30 वर्ष ही रहा। इनका देहांत जो है 63 वर्ष की उम्र में हुआ, अर्थात इस बात से ये पता लगता है कि इनका जो राज्यारोहण हुआ होगा वह 33 वर्ष की उम्र में हुआ होगा। लेकिन इनके शासनकाल के बारे में डबराल जी का मत है कि फतेह शाह की तरह ही राज्यारोहण के समय इनकी उम्र क्या थी? 5 वर्ष थी, जबकि फतेह शाह की 7 वर्ष थी। अतः इनकी माँ जो होगी वो इनकी संरक्षिका होती, क्योंकि जो अगर अवयस्क बालक है तो वो खुद तो राजकाज करेगा नहीं, तो उसको उसके संरक्षिका या संरक्षक कोई ना कोई होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात की टिप्पणी करना जरूरी है दोस्तों, प्रदीप शाह का संवत 1773 का एक ताम्रपत्र मिला है, लेकिन उसमें ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है कि फतेह शाह जो है ये इनकी उम्र 5 वर्ष थी प्रदीप शाह की, और इनकी माँ इनकी संरक्षिका इनकी माँ थी, ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। अगर उनकी माँ संरक्षिका होती तो इसका उल्लेख कहीं न कहीं पर तो इनका नाम आया होता, जिस तरीके से महारानी कर्णावती का नाम आया था। अब इनकी माता का नाम जो है कनकदेवी था दोस्तों, जिसको संरक्षिका भी कहीं पर जो है इतिहासकारों ने बताया है, और इनके पिता का नाम दिलीप शाह था। दीवान इनके राज्य में इनका दीवान रघुपति चौथा नाम का व्यक्ति था। इनका वजीर जो था दोस्तों वो चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्टे इनके वजीर थे इनके शासनकाल में। इनका जो बक्सी था वो विद्याधर डोभाल था। इसका दरबारी कवि मिदाकर शर्मा था, जिसने रामायण प्रदीप की रचना भी की थी दोस्तों। इनके दरबार में चित्रकार मोलाराम तोमर थे, जिनको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था अपने दरबार में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से ही इनको फटाफट से नोट और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। डबराल का मानना है कि प्रदीप शाह के अल्पवयस्क के रहने तक गढ़वाल में यानी कि गणराज्य में मंत्रियों का सशक्त गुट था। इसमें जो पूरनमल या फिर उसका नाम पुरिया नेथानी आपने सुना होगा, इनका नाम विशेष रूप से लिखा गया है। कुमाऊं और गणराज्य के संबंध में कहा जाता है दोस्तों, कुमाऊं और गणराज्य के संबंध इसके समय में बहुत अच्छे थे, ठीक है। इस बात की पुष्टि होती है रोहिलों के खिलाफ प्रदीप शाह ने गढ़वाली रणबांकुरे कल्याण चंद की सहायता के लिए भेजे थे। जब कल्याण चंद के मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कल्याण चंद पर जब रोहिलों का आक्रमण होता है तो रोहिलों के खिलाफ जो है प्रदीप शाह ने क्या किया था, गढ़वाली रणबांकुरों को कल्याण चंद की सहायता के लिए भेजा था, लेकिन दोनों ने मिलकर भी रोहिलों को नहीं हरा पाया था। दोनों की सेनाएं वहां पर संयुक्त रूप से लड़ी थी, लेकिन दोनों की सेना भी रोहिलों को नहीं हरा पाई थी। लेकिन मैंने जैसे कि आपको हमेशा बताता हूं, प्रत्येक युद्ध का अंत क्या होता है? एक संधि से होता है, ठीक है। तो यहां पर भी फिर एक संधि होती है जिसमें 3 लाख रुपए संधि के रूप में कुमाऊं नरेश से मांगता है कौन? रोहिले मांगते हैं। अब इन 3 लाख रुपये को अपने मित्र होने के नाते प्रदीप शाह ने क्या किया, गढ़वाल के राजकोष से निकाल करके इनका भुगतान किया रोहिलों को, ठीक है, कुमाऊं के राजा कल्याण चंद की मदद करने के लिए। रोहिलों ने गढ़नरेश से भाबर और दून की घाटी छीन ली और 31 अक्टूबर 1770 को क्या होता है, दून गणराज्य द्वारा हस्तगत कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें रोहिला सेनापति जो था उस समय ये नजीब खां था। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटा करके
जो है धामू वाला कर दी थी, ठीक है, क्योंकि दून वाला जो क्षेत्र था उनको वो रोहिलों को इसने हस्तगत कर दिया था। जब जब दून वाला क्षेत्र वो वाला क्षेत्र अपने पास रहा ही नहीं तो वहाँ की राजधानी फिर नवादा करके कोई फ़ायदा नहीं था, जहाँ से उसको कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं था या फिर उसके राजकाज के लिए वहाँ से असुविधा हो रही थी, तो यहाँ पर धामू वाला इसने स्थानांतरित कर दी। अब बात करेंगे प्रदीप शाह की मृत्यु कब हुई, तो प्रदीप शाह की मृत्यु के बारे में भी थोड़े से मतभेद देखने को मिलते हैं। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग मानते कि इसकी मृत्यु 1772 ईस्वी में यानी कि 1829 संवत में हुई थी, और कुछ लोग मानते हैं कि इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1780 ईस्वी में हुई थी। बैकेट की सूची और एटकिंसन गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न के रचयिता जो हैं पाथीराम, डॉक्टर पाथीराम, तो ये लोग मानते हैं कि प्रदीप शाह की मृत्यु 1772 ईस्वी में हुई थी, लेकिन पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी मानते हैं कि इसकी मृत्यु 1780 ईस्वी में हुई थी, जिस बात को असत्य और अप्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, इसकी पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इसकी मृत्यु 1780 ईस्वी में हुई, अतः हम क्या मानेंगे कि प्रदीप शाह की मृत्यु 1772 ईस्वी में ही हो गई थी। उसके बाद 1772 में जब इसकी मृत्यु होती है फिर आता है ललित शाह दोस्तों, ठीक है, ललित शाह को कहीं पर आपको ललिपत शाह भी देखने को मिलेगा। ललिपत शाह जो है 29 गते मंगसीर 1829 संवत को सिंहासनारूढ़ होता है। अगर इसको आप हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश सन में देखेंगे, तो ये दिसंबर 1772 आपकी डेट निकल कर आएगी। तो दिसंबर 1772 में ललित शाह जो है सिंहासनारूढ़ होता है। इसके शासनकाल में सिखों ने दो बार आक्रमण किए। कब कब किए थे? एक तो 1775 में किया था, दूसरा 1778 में किया था। ठीक है, तो दो बार आक्रमण किए, लेकिन इस बात की पुष्टि मिलती है कि यहाँ पर कोई भी विनाशकारी प्रभाव गणराज्य में नहीं देखने को मिला था। ठीक है, इसका मतलब कोई विनाश ऐसा कोई खतरनाक प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है कि 1775 और 1778 में दो युद्ध की पुष्टि यहाँ पर होती है। उस समय कुमाऊं का शासक जो था दीपचंद था। ठीक है, दीपचंद का शासन आपको पता ही है 1747 से लेकर के 1777 तक था। तो उस समय कुमाऊं का शासक कौन था? दीपचंद था। दीपचंद जो है ग्रह दीपचंद के उसमें आपने देखा होगा, जिस समय मैंने चंद शासन आपको पढ़ाया था वहां पर ग्रह कलह शुरू हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो दीपचंद के जीवित रहते 1770 ईस्वी में ही मोहन सिंह रौतेला ने क्या कर दिया था? खुद को कुमाऊं का नरेश घोषित कर दिया था। क्योंकि जब मैं दीपचंद पढ़ा रहा था आपको, मैंने अच्छे से बताया है, इसने वहां पर ग्रह कलह शुरू हो गया था आप एक हिसाब से कह सकते हैं। तो मोहन सिंह रौतेला ने क्या कर दिया था, जब दीपचंद जीवित ही था 1777 की ये बात है, मोहन सिंह ने खुद को कुमाऊं का नरेश घोषित कर दिया था। हालांकि उसके बाद आगे बहुत लंबी कहानी होती है जो आपको पता है दोस्तों। बगवाली पोखर का युद्ध होता है 1779 ईस्वी में 1779 में, जिसमें हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया और मोहन सिंह को यहाँ से इन्होंने पराजित कर दिया। ठीक है, मोहन सिंह को जब पराजित कर दिया तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रद्युमन शाह को ये गढ़वाल से लेकर आते हैं और कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देते हैं। जब कुमाऊं की गद्दी पर प्रद्युमन शाह बैठ जाता है तो हर्षदेव जोशी इसके प्रधानमंत्री बना उस समय प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब इसकी मृत्यु के बारे में यहाँ पर कहा जाता है कि गणराज्य को लौटते समय हवालबाग के द्रुड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ललित शाह की, तो ललित शाह की मृत्यु किस तरीके से हुई, हवालबाग के दुलड़ी नामक स्थान पर। ठीक है, मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके चार पुत्र थे दोस्तों, एक का नाम था जयकृत शाह, दूसरे का नाम था प्रद्युमन शाह, तीसरे का नाम था पराक्रम शाह, चौथे का नाम था प्रीतम शाह। अब यहाँ पर एक बात की पुष्टि होना बहुत ज़रूरी है, जो जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह थे ये दोनों सौतेले भाई थे। ठीक है, तो सौतेले भाई थे, इस वजह से इनके बीच में शत्रुता का भाव रहा था। दोस्तों प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी से हटाने के लिए मोहन सिंह की मदद की थी किसने, जयकृत शाह ने। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, प्रद्युमन शाह गद्दी पर बैठ गया था ना कुमाऊं की, तो कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया था, तो कुमाऊं की गद्दी पर से हटाने के लिए प्रद्युमन शाह की विपक्ष में जो है, मतलब यानी कि कह सकते हैं आप, मोहन सिंह की जो मदद की थी वो जयकृत शाह ने की थी। तो इससे गुस्सा तो आएगा, इससे क्रुद्ध होकर प्रद्युमन शाह ने क्या किया, श्रीनगर पर आक्रमण कर लिया और 3 साल तक फिर वहीं पर रहा। अब यहाँ पर जयकृत शाह जो था बड़ा पुत्र होने के कारण ललित शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है।
ठीक है, तो गद्दी पर बैठता है तो लेकिन कुछ समय बाद फिर बीच में गड़बड़ी होती है। इस तरीके से इसको श्रीनगर पर जब गुस्सा आता है प्रद्युमन शाह को, श्रीनगर पर ही आक्रमण करता है, तो जयकिरत शाह को वहाँ से हटा देता है और अपना जो है श्रीनगर पर शासन करने लगता है। ललित शाह और सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध 1779 में हुआ था, ये मैं आपको पहले बता चुका। अब जयकिरत शाह की अगर बात करें तो जयकिरत शाह जो था क्योंठली रानी का पुत्र था दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये इसका सौतेला भाई था। इसके शासनकाल के बारे में भी जो है अलग अलग बातें सामने आती हैं। बैकेट की सूची के अनुसार अगर माने तो इसका शासनकाल जो था वो 1780 से लेकर के 1786 तक माना जाता है, लेकिन मुकुंदी लाल ने माना है कि इसका जो शासनकाल था वो 1780 से लेकर के 1785 तक था, ठीक है। लेकिन रतूड़ी मानते हैं कि इसका शासनकाल 1701 से लेकर के 1796 ईस्वी तक रहा। तो अलग अलग जो है यहाँ पर इनके शासनकाल के बारे में भी मतभेद देखने को आता है। दोस्तों जयकिरत शाह के शासनकाल में इनके जो दरबारी थे वो दो दलों में विभक्त हो गए थे, ठीक है। तो दो दलों में इनके दरबारी विभक्त हो गए थे, नंबर एक तो थे खंडूरी, दूसरे थे डोभाल, ठीक है। और वहाँ से जो नेगी थे वो भी अपना थोड़ा बहुत सर उठा रहे थे। तो खंडूरियों में जो है नित्यानंद खंडूरी जो था इनका फौजदार था दोस्तों, और डोभालों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली था जिसका नाम था कृपाराम डोभाल, ठीक है, जिसको सभी झगड़ों की जड़ माना जाता था। ऐसा माना जाता है दोस्तों जब कृपाराम जो डोभाल था इसके विरोध अगर किसी ने कर दिया तो उसकी सजा होती थी केवल मौत, ठीक है। तो जो कृपाराम डोभाल था ये मुफ्तार के पद पर था, ठीक है, जयकिरत शाह के शासन में। इसके अत्याचार के विरोध में नेगी जाति के सदस्यों ने क्या किया, दून से श्रीनगर तक के गवर्नर ठाकुर घमंड सिंह मियाँ थे, ठीक है, तो ठाकुर घमंड सिंह मियाँ को इस बुलाया और इसकी अत्याचार की जो कहानी थी वो पूरे मतलब पूरे खतरनाक तरीके से घमंड सिंह को इन्होंने सुना दी थी। किसने, नेगी जाति के सदस्यों ने। ठाकुर घमंड सिंह ने क्या किया, डोभाल की गर्दन जो है खुले आम खुले दरबार में काट दी, और इसके जो साथी थे घमंड सिंह के डोभाल के जो साथी थे इसके साथियों को कैद कर लिया, और साथ ही साथ श्रीनगर का राजकोष लूट करके जो गढ़वाल के जो सैनिक थे उनका पिछले जितने समय से भी जो वेतन रुका हुआ था उस वेतन को दिलवा दिया। दोस्तों इसकी जयकिरत शाह की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि नंबर एक तो इसके प्रद्युमन शाह से कलह हुआ, और दूसरा ऐसा माना जाता है कि इसका विश्वास पात्र धनीराम था जो, ठीक है, तो धनीराम से इसको धोखा मिला, तो इससे ये क्या हुआ अत्यधिक टूट गया और निराश हो गया, ठीक है, और मानसिक तरीके से डिस्टर्ब हो गया ये, जिससे थक करके क्या करता है रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में चला जाता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। जब ये वहाँ जा करके वहीं पर रहता है तो उसी के चौथे दिन इसका देहांत हो जाता है दोस्तों। इसकी चार रानियाँ थी जो इसकी मृत्यु पर क्षति हो गई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। मौलाराम कहते हैं कि मरते समय जयकिरत शाह ने प्रद्युमन शाह पराक्रम शाह और अन्य मंत्रियों को श्राप दिया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद कुछ अलग फैक्ट्स यहाँ से निकल के आते हैं। जयकिरत शाह ने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के यहाँ पर राजदूत भिजवाया था, ठीक है, तो किसने भिजवाया था ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जयकिरत शाह ने ही भिजवाया था, ठीक है। इसने कपरौली के युद्ध में जगत प्रकाश ने इसकी मदद की थी, प्रद्युमन पराक्रम और विजयराम नेगी की संयुक्त सेना को पराजित करके इसने घमंड सिंह का वध कर दिया था, किसने, जगत प्रकाश ने, हालांकि बाद में फिर जगत प्रकाश को भी मरवा दिया था, ये एक अलग कहानी है। उसके बाद आता है प्रद्युमन शाह दोस्तों, इनके शासनकाल के बारे में भी अलग अलग मान्यताएं हैं। बैकेट की सूची की अगर माने तो उसमें कहा गया है कि 1786 से लेकर के 1804 ईस्वी तक जो है प्रद्युमन शाह का शासनकाल रहा। उसके बाद मुकुंदी लाल मानते हैं कि 1785 से लेकर के 1804 तक जो है इनका शासनकाल रहा। इन दोनों तिथियों को ही सही माना जाता है। रतूड़ी ने इसमें जो अजय रावत जी की बुक है उसमें लिखा गया है कि 1697 से लेकर के 1804 ईस्वी तक जो है रतूड़ी ने माना है, जो कहीं से कहीं तक बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ये दो डेटें जो है ये सही मानी जाती है। जयकिरत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युमन शाह को कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का नरेश घोषित कर लिया, ठीक है, और इस बात का दोनों राज्यों ने स्वागत भी किया, ठीक है, दोनों राज्य इससे खुश थे, गढ़वाल भी कुमाऊं भी। जैसे कि मैंने पहले कहा कुमाऊं पर इसको पहले ही बैठा लिया गया था, बाद में जब जयकिरत शाह की मृत्यु हो जाती है तो प्रद्युमन शाह को ये गद्दी मिल जाती है,
ठीक है। इस घटना से पराक्रम शाह जो है दुखी हो जाता है दोस्तों। दुखी होने का कारण ये था कि गढ़वाल की गद्दी पर जयग्रथ शाह, पराक्रम शाह ये चाहता था कि गढ़वाल की गद्दी मुझे मिले और कुमाऊं की गद्दी पर जो है प्रद्युमन शाह बैठ जाए। हर्षदेव जोशी ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया। जब कुमाऊं जब छोड़कर चला गया, वो गढ़वाल की गद्दी पर बैठ गया, तो फिर हर्षदेव जोशी जो प्रधानमंत्री था उसका, उसने क्या किया, कुमाऊं के में जो है उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन प्रारंभ किया। लेकिन मोहन चंद जो कुमाऊं चंद वंश का जो शासक था, जिसको मैंने आपको बताया था मोहन चंद के बारे में, तो उसने इसका विरोध किया। मोहन चंद ने क्या किया, अपने भाई लाल सिंह के साथ मिल करके आक्रमण कर दिया, जिसको पाली गांव का युद्ध आप कहते हैं, जो 1786 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो इसने आक्रमण कर दिया लाल सिंह के साथ मिलकर भाई, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता, पाली गांव का जो युद्ध हुआ 1786 में, इस युद्ध में मोहन चंद्र विजयी होता है और हर्षदेव जोशी जो है वो भाग करके चले जाता है, यहां से भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद दो वर्ष बाद क्या होता है, 1788 में हर्षदेव जोशी एक बहुत बड़ी सेना लेकर के आता है दोबारा, ठीक है, क्योंकि हर्षदेव जोशी उस समय भाग गया था, मोहनचंद विजयी हो गया था। फिर 1788 में एक बहुत बड़ी सेना लेकर के दो वर्ष बाद आता है और आक्रमण करता है, जिसमें मोहनचंद और लाल सिंह को पराजित कर देता है, ठीक है। इन दोनों को यहां से कैद कर लेता है, बाद में मोहनचंद की हत्या कर देते हैं, कौन, हर्षदेव जोशी। अब इतनी घटना होने के बाद दोस्तों, हर्षदेव जोशी ने जीत के बाद प्रद्युमन शाह को अल्मोड़ा आने का निमंत्रण दिया, जिसको प्रद्युमन शाह ने ठुकरा दिया। प्रद्युमन शाह ने कहा, नहीं भाई ठीक है, मैं अल्मोड़ा नहीं आऊँगा, मेरा यहाँ सही हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ तक कहानी ख़त्म होती है। जब अल्मोड़ा को उसने मना कर दिया, अल्मोड़ा आने का निमंत्रण, तो यहाँ से उसके बुरे दिन थोड़ा बहुत प्रद्युमन शाह के होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। इतनी घटनाएं हो रही थी। उधर पराक्रम शाह कुमाऊं की गद्दी मोहनचंद के पुत्र को देना चाहता था, ठीक है। अब कुमाऊं की गद्दी पर जो था हर्षदेव जोशी था, लेकिन जो पराक्रम शाह था सौतेला भाई, वो चाहता था कि जो कुमाऊं की गद्दी है वो मोहनचंद के पुत्र को मिले। तो इसीलिए उसने क्या किया, प्रद्युमन को कुमाऊं नहीं लौटने की सलाह दी। उसने कहा कि भाई प्रद्युमन तू कुमाऊं नहीं जाएगा, गढ़वाल तक ही खुश रहे। मोहनचंद और लाल सिंह को हराने के बाद हर्षदेव जोशी कुछ समय तक कुमाऊं के राजा के रूप में शासन करते रहे। उसके बाद उसने शिव सिंह रौतेला नाम का एक व्यक्ति था, जिसको शिवचंद के नाम से गद्दी पर बैठा दिया। शिवचंद के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था दोस्तों, यह एक कठपुतली राजा था, किसका, हर्षदेव जोशी का, ठीक है। हर्षदेव जोशी का मतलब, अब वास्तविक अगर राजा की बात करेंगे, शासक की बात करेंगे, वो तो हर्षदेव जोशी ही था, लेकिन उसने एक कठपुतली के रूप में गोबर गणेश जैसे कहते हैं थाप देते हैं, उस तरीके इसने शिव सिंह को क्या किया था, शिवचंद के नाम से गद्दी पर बैठा दिया था। इसी बीच लाल सिंह ने रामपुर के नवाब फैजाउल्ला खां, और जिसको अल्मोड़ा गजेटियर भी कहा जाता है, तो फैजाउल्ला खां की सहायता से इसने हर्षदेव और शिवचंद को उल्कागढ़ तक खदेड़ दिया। तो यानी कि फैजाउल्ला खां ने इसकी मदद की थी, इसने क्या किया, इसको उल्कागढ़ तक खदेड़ दिया, लेकिन हर्षदेव जोशी की इसमें विजय हो जाती है। लाल सिंह को कोसी नदी तक ये हर्षदेव जोशी खदेड़ देता वापस, ठीक है। यहाँ से पराक्रम शाह ने अपनी सेनाओं के साथ लाल सिंह की कमान संभाल दी। जब भाई हर्षदेव जोशी ने इसको वापस यहाँ तक खदेड़ दिया था, तो फिर लाल सिंह क्या करता है, लाल सिंह को कोसी नदी तक खदेड़ दिया, तो फिर पराक्रम शाह सौतेला भाई क्या करता है, अपनी सेनाओं को लेकर आता है और लाल सिंह का की सेना का कमान जो है खुद संभालता है, ठीक है। तो यहाँ से हर्षदेव जोशी फिर भाग करके प्रद्युमन शाह की शरण में चले जाते हैं और अभागा शिवचंद इतिहास की गहराइयों में जाने पता ही नहीं चलता कि कहाँ खो गया। शिवचंद का नाम यहाँ से बिल्कुल नामोनिशान मिट जाता है। पराक्रम शाह शासन की बागडोर स्वर्गीय मोहनचंद, अब यहाँ से भाई पता चल गया कि पराक्रम शाह जीत गया, ठीक है, वो भागकर चले गया हर्षदेव जोशी, तो ये बागडोर जो है शासन की बागडोर मोहन जो मोहन सिंह थे, यानी कि मोहनचंद जो थे, ये तो मर गए थे, इनको मार दिया गया था कैद करके लाल सिंह के साथ। तो मोहन सिंह को क्या किया, मोहनचंद जो थे, इनको इनके पुत्र को सत्ता सौंप दी और 40,000 रुपये नजराना लिया इसके बदले, जो इनका कार्य किया था, और ये लेकर के ये वापस लौट गए थे। 1786 में अल्मोड़ा को जब ठुकरा दिया था, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रद्युमन शाह ने ठुकरा दिया था, तो उसके बाद इनके भाग्य चक्र जो है उल्टा घूमना शुरू हो गया था प्रद्युमन शाह का दोस्तों, ठीक है। इनके राज्य में अशांति और समस्याएँ
बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। इन सारी अशांतियों, जितनी भी अशांति उत्पन्न हो रही थी और ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इनका जो सृजन कर रहा था, इनका सृजनकर्ता जिसको माना जाता है, वो था इनका भाई सौतेला भाई पराक्रम शाह। ठीक है, तो पराक्रम शाह के ने ही ये सारी समस्याएं और अशांति प्रद्युमन शाह के शासन में उत्पन्न की थी। जो पराक्रम शाह था दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह एक प्रकार का इसको विलासी, दुराचारी और चरित्रहीन राजा बताया गया है, चरित्रहीन व्यक्ति बताया गया है। इस बात का उल्लेख या इस बात का प्रमाण जो मिलता है वो एक किताब है जिसका नाम है गणगीति संग्राम, या जिसको गणिका नाटक आपने सुना होगा। ठीक है, इसको गणिका नाटक जो लिखा है वो इतिहासकार मौलाराम ने लिखा है। ठीक है, यह एक प्रकार का हस्तलिखित ग्रंथ है जो आज भी ठाकुर सूरवीर सिंह के संग्रह में उपस्थित है। दोस्तों, इस किताब में पराक्रम शाह के जितने भी काली करतूत थी, उन सभी काली करतूतों का पर्दाफाश किया गया था और पराक्रम शाह ने इस गणिका को छीन लिया था, ये भी जो है ध्यान रखना। अब भाई उसके बारे में, उसकी काली करतूतों को इसमें लिखा था, तो ये गणिका को इसने, पराक्रम शाह ने छीन लिया था और उसकी जागीर भी इसने हड़प ली थी। किसने? पराक्रम शाह ने। अब पराक्रम शाह के बारे में मैं आपको बता दूं, इतनी चीज़ें तो जानना जरूरी था। उसके बाद पराक्रम शाह ने क्या किया, प्रद्युमन शाह के जो वफादार मंत्री थे, ठीक है, जो खंडूरी भाई थे और रामा और धरणी, ठीक है, ये तीन चार लोग थे जो इसके वफादार मंत्रियों में शामिल थे, तो इनकी इसने क्या कर दी, हत्या करवा दी थी और प्रद्युमन शाह को भी इसने बंदी बना लिया था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। प्रद्युमन शाह के उत्तराधिकारी सुदर्शन और पराक्रम के बीच मामला खराब चल रहा था। ठीक है, पराक्रम शाह और सुदर्शन शाह, जब उसकी हत्या का बंदी बना लिया गया तो प्रद्युमन शाह का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका बेटा सुदर्शन शाह होगा, लेकिन यहाँ से पराक्रम शाह भी अपनी टांग अड़ा रहा था, तो इन दोनों के बीच में भी मामला बहुत अधिक ख़राब था। सेनाएं दो गुटों में विभाजित हो गई थी, कुछ लोग जो है सुदर्शन शाह के पक्ष में चले गए थे, कुछ लोग पराक्रम शाह के पक्ष में चले गए थे, तो इसका फ़ायदा जो है गोरखों को मिलता है। उन्होंने क्या किया, अपना प्रतिनिधि, इस बात का फ़ायदा उठाकर कि गढ़वाल, अपना प्रतिनिधि इन्होंने गढ़वाल भेजा और गढ़वाल में घुसने का इनको यहाँ से एक मौका मिल गया। 1790 में अल्मोड़ा को तो इन्होंने जीत ही लिया था, जैसे कि आपको पता है गोरखा गढ़वाल की ओर बढ़े यहाँ से, लेकिन क्या हुआ, लंगूरगढ़ नामक एक स्थान है, यहाँ पर 1791 ईस्वी में जो है गढ़वाली सेना के साथ इनका पंगा होता है और ये यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। अब पराजित होने के बाद यहाँ से जो है गोरखे और गढ़वाली सैनिकों के बीच क्या होती है, एक संधि हो जाती है जिसमें गोरखों को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये धनराशि देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। किसने? गढ़ सेना ने। अब ये स्वीकार क्यों किया, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई ले 25,000 रुपये ले जाओ तुम प्रतिवर्ष, लेकिन जो है आप लोग यहाँ पर कोई पंगा बीच में नहीं फंसाओगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद ही परेशान हैं, तो अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा के लिए एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि इन्होंने 25,000 रुपये देना स्वीकार कर लिया। गणराज्य निरंतर दुर्बल हो रहा था, विभिन्न इसके विभिन्न कारण बताए जाते हैं। इन कारणों में नंबर एक था, निरंतर जो दुर्बल हो रहा था उसका कारण नंबर एक था दोस्तों, गृह युद्ध और गुटबंदी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके बीच जो गृह युद्ध चल रहा था और गुटबंदी जिस प्रकार से हो गई थी, जिससे गणराज्य दुर्बल हो रहा था। दूसरा, यहाँ पर गणनरेश का मंत्रियों के हाथ की कठपुतली बन जाना, जो गणनरेश थे वो मंत्रियों के हाथ की कठपुतली बन गए थे। जब इनके गृह युद्ध चल रहा है, गुटबंदी चल रही है, तो भाई इसमें जो राजा है वो भी क्या होता है, कठपुतली बन ही जाता है। तीसरा, प्राकृतिक संकट था। प्राकृतिक संकट में क्या है दोस्तों, संवत 1851-52 में एक भयंकर अकाल पड़ता है, ठीक है, जिसको गढ़वाल के इतिहास में 51-52 अकाल के नाम से जाना जाता है। जो 52 शब्द है उसका आज भी एक भयंकर अकाल के रूप में इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा था प्राकृतिक संकट कारणों में, 1803 में गणराज्य में एक भूकंप आया था, उस भूकंप के प्रकोप से दोस्तों यहाँ पर केवल 20-25% लोग ही जीवित रह पाए थे, बाकी सभी लोग मारे गए थे इस भूकंप में। ठीक है, तो इतनी मुसीबतें इनके सामने आती है, इन सारी मुसीबतों का परिणाम क्या निकल के आता है, गणराज्य की जनता का मनोबल टूट जाता है और विशाल सेना के साथ गोरखे आते हैं और गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। उस समय गोरखों के सेनापति था हस्तीदल चौतरिया और अमर सिंह थापा, तो इनके सेनापतित्व में गढ़वाल पर जो है गोरखों ने क्या किया, भयंकर मारकाट मचानी शुरू कर दी। भयंकर मारकाट मचाई और प्रद्युमन शाह अपनी सेना के साथ अलकनंदा पार जो है भागे, लेकिन इनको क्या हुआ, व्यवस्थापूर्वक उत्तरकाशी की ओर मुड़ना पड़ा। तो ये उत्तरकाशी की ओर मुड़ गए, गोरखों ने इनका पीछा किया और बाराहाट
या उत्तरकाशी में दूसरी बार इनको फिर पराजित किया। ठीक है, एक बार तो ऊपर वहीं कर लिया जहाँ से ये भागे थे, फिर उसके बाद ये बाड़ाहाट, उत्तरकाशी में बाड़ाहाट है तो बाड़ाहाट या फिर उसको उत्तरकाशी भी कहते हैं, पुराना नाम है। तो यहाँ पर इसको दूसरी बार पराजित किया, उसके बाद ये क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्रों की तरफ भागते हैं, लेकिन गोरखे यहाँ भी इनका पीछा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चमुआ या फिर चम्बा नामक स्थान पर यहाँ पर जो है गोरखे पुनः जीत जाते हैं। लेकिन जो अंतिम या फिर निर्णायक युद्ध होता है दोस्तों, वह खुड़बुड़ा नामक स्थान पर होता है। ठीक है, तो खुड़बुड़ा नामक स्थान पर जो है प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके दो पुत्र थे सुदर्शन और प्रीतम, तो एक को तो बंदी बना लिया जाता है प्रीतम को, और सुदर्शन शाह जो हैं वो भाग करके हरिद्वार आ जाते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। गोरखू ने जो मृता मतलब सुदर्शन सॉरी प्रद्युमन शाह मारे गए थे, उनकी मृतात्मा को हरिद्वार में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की थी, इतनी यहाँ पर इन्होंने इंसानियत दिखाई थी। अब हमने कहा निर्णायक युद्ध खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ था, तो खुड़बुड़ा युद्ध की तिथियाँ भी अलग अलग बताई गई हैं। श्री गिल हैं एक, तो उन्होंने बताया है कि ये युद्ध जो है जनवरी 1804 में हुआ था, लेकिन रतुड़ी का मत है कि 14 मई 1804 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, लेकिन जो 14 में 1804 की तिथि है दोस्तों, ये अधिक विश्वसनीय और सशक्त तिथि मानी जाती है। खुड़बुड़ा युद्ध की सत्यता जो है, इसकी पुष्टि डॉक्टर पातिराम परमार और श्री रतुड़ी के साथ ही साथ श्री ए आर गिल ने भी अपने ग्रंथ वैली ऑफ दून में की है। ठीक है, तो श्री गिल ने, मैंने कि जैसे आपसे बताया, तो इनने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं इसके बारे में, इस युद्ध की पुष्टि की है, लेकिन गिल ने जो तिथि बताई है उसके बारे में थोड़ा सा मिसमैच यहाँ पर देखने को मिलता है। गणरनेश ने अपना बहुमूल्य सिंहासन बेचा था, इस बात की पुष्टि भी होती है दोस्तों। इन्होंने अपना जो सिंहासन था, बहुमूल्य सिंहासन, उसको सहारनपुर में बेचा था। यहाँ से 12,000 सैनिकों को जो है सेना में इन्होंने भर्ती किया था। भाई जब राजस्व खत्म हो गया तो इन्होंने अपना सिंहासन बेच दिया और सैनिकों की भर्ती की, 12,000 सैनिक इन्होंने भर्ती किए। ठीक है, इन सैनिकों में जो मुख्य थे वो थे रांगड़, पुंडीर और गुजर जाति के सैनिक। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य सैनिक थे। लंदौर के गुजर राजा रायदयाल सिंह ने इसकी सहायता की थी। और खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु के बाद एक पुत्र प्रीतम शाह, जैसे मैंने आपको बताया, वो गोरखों ने बंदी बना लिया था, और दूसरा पुत्र सुदर्शन शाह भाग करके हरिद्वार चला गया था। तो ये कहानी थी पूरी प्रद्युमन शाह तक की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध जो होता है, वहाँ पर जो है फिर गोरखे आ जाते हैं, वहाँ से गोरखा राज शुरू हो जाता है, जो कहते हैं ना आज भी गोरखा राज। तो गोरखा राज एक क्रूर राज जो कहते हैं, वो गोरखा राज यहाँ से शुरू होता है 1804 से लेकर के गढ़वाल में। ठीक है, और 1815 तक रहता है। अब दोस्तों हम इससे आगे कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे टिहरी रियासत का किस प्रकार से उदय हुआ, और सन 1815 ईस्वी के बाद जो गढ़नरेश थे वो कौन कौन थे, 1815 से लेकर के 1949 तक टिहरी रियासत का जब विलय होता है, तब तक का हम पूरा इतिहास कल के नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।